नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कड़ी सुरक्षा के बीच महानगर में देव शिला यात्रा के पहुंचने के बाद जगह जगह हजारों की संख्या में लोगों ने शालिग्राम की शिला पर टेका मत्था, फूल मालाओं से उनका किया स्वागत। गोरखनाथ मंदिर में देव शिला यात्रा का होगा रात्रि विश्राम। बुधवार को देव शिला यात्रा को गोरखनाथ मंदिर से अयोध्या के लिए सीएम योगी करेंगे रवाना। तथाकथित यूरेनियम के दो लेदर पैकेट के साथ एसटीएफ की टीम ने तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। तीन फर्जी कूटरचित आधार कार्ड, तीन मोबाइल, 1,350 रुपए नगद, दो एटीएम कार्ड, तीन रेलवे टिकट किया बरामद, भेजा जेल। कोतवाली थाना क्षेत्र के एक निजी होटल में एग्जॉस्ट की वजह से लगी आग। मौके पर पहुंची फायर विभाग की दो गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा आग से नहीं हुआ कोई जनहानि। भारत और नेपाल सीमा पर नागरिकों का परंपरागत रूप से आवागमन है फ्री। सुरक्षा को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी व यूपी पुलिस लगातार संदिग्ध व्यक्तियों की कर रही है चेकिंग। सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है निगरानी। एडीजी जोन अखिल कुमार ने दी जानकारी। लूट का प्रयास करने के आरोप में दो अभियुक्तों अंकित गुप्ता, चंदन प्रजापति को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। अवैध तरीके से नर्सिंग होम चलाने वाले सत्यम हॉस्पिटल के संचालक सुभाष निषाद को गुलरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने दी जानकारी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतगणना ड्यूटी पर लगे कार्मिकों को एआरओ अपर आयुक्त अजय कांत सैनी द्वारा दिया गया प्रशिक्षण। कहा पूरी पारदर्शिता सुचिता और निष्ठा के साथ होगी मतगणना। ऑपरेशन ट्रिनेत्र के तहत एडीजी जोन कार्यालय पर सीसीटीवी कैमरों की लगाई गई प्रदर्शनी। एडीजी जोन ने कहा अभी तक जनपद में 1500 स्थानों पर लग चुके हैं उच्च क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे। अभी भी सीसीटीवी कैमरे लगाने का अभियान है जारी। चोरी करने के आरोप में तीन वांछित अभियुक्तों सात्विक सिन्हा, अनिकेत कुमार डोम व अचिंत बनर्जी को गोरखनाथ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का तीन मोबाइल, चोरी की स्कूटी, 500 रुपए नगद किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के मतपेटियों की सुरक्षा के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस प्रशासन द्वारा तीन लेयर में पुलिसकर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। 250 पुलिसकर्मी 2400 घंटे दो शिफ्ट में दे रहे हैं मतपेटियों को सुरक्षा। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने दी जानकारी। एक शातिर वाहन चोर आर्यन चौहान उर्फ हिमांशु चौहान को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की स्कूटी व मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कांग्रेस नेता राणा राहुल सिंह के नेतृत्व में आरटीओ तिराहे से निकाली गई तिरंगा यात्रा। कहा एक बड़े पुत्र की तरह होती है पुरानी पेंशन। जमीन आसमान का फर्क होता है पेंशन पाने वाले और बिना पेंशन पाने वाले व्यक्ति में। अब खबरें विस्तार से। तथाकथित यूरेनियम के दो लेदर पैकेट के साथ एसटीएफ गोरखपुर इकाई की टीम ने तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसटीएफ गोरखपुर इकाई के प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्तों को तरिया सुजान जाने वाले रोड पर थाना तमकुही राज जनपद कुशीनगर से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान गोपाल शर्मा उर्फ श्रीनिधि कुमार पुत्र संजय कुमार साकिन कंकड़बाग नियर पार्क गेट पटना बिहार व स्थायी पता श्री कृष्ण नगर कॉलोनी थाना औरंगाबाद जिला औरंगाबाद बिहार। दूसरा मुकेश कुमार पुत्र शत्रुधन सिंह साकिन कंकड़बाग आरएमएस कॉलोनी पटना बिहार स्थायी पता ग्राम हथियावा थाना शिवपुर बिहार। तीसरा सोनू कुमार तिवारी पुत्र अमरनाथ तिवारी वर्तमान पता हीरा नगर कॉलोनी गुड़गांव हरियाणा स्थायी पता रसौली इमिलिया टोला थाना
पानापुर जनपद सारण छपरा बिहार के रूप में हुई है, जिनके पास से दो लेदर पैकेट तथा कथित यूरेनियम के साथ तीन फर्जी कूटरचित आधार कार्ड, तीन मोबाइल फोन, 1,350 रुपए नगद, दो एटीएम कार्ड, तीन रेलवे टिकट को बरामद किया गया है। एसटीएफ प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त गोपाल शर्मा, मुकेश कुमार, सोनू कुमार तिवारी ने बताया कि पहचान छुपाने हेतु फर्जी कूटरचित आधार कार्ड निर्मित किए थे तथा बरामद तथा कथित यूरेनियम के पैकेट के संबंध में बताया कि यह दोनों पैकेट गुड्डू निवासी जुमई बिहार ने 2 लाख में दिया है, जिसमें से 1 लाख रुपए गुड्डू को दिया जा चुका है, बाकी का 1 लाख यह दोनों पैकेट भेजकर देना था। दोनों पैकेट चंदन निवासी गाजीपुर के माध्यम से प्रति पैकेट 5 लाख में बेचना था। गुड्डू ने बरौनी में लाकर दोनों पैकेट दिया था, जिसे लेकर तमको ही राज आए थे। कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग आपस में मिलकर यूरेनियम जैसे पदार्थ को एक लेदर बैग में भरकर उसे पैक कर उसके ऊपर लिख देते हैं, जिससे किसी भी देखने वाले व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि पैकेट में वास्तविक यूरेनियम है, तथा रेडिएशन का चिन्ह भी बनाते हैं जिससे पैकेट में यूरेनियम वास्तविक लगे। इस प्रकार यह लोग यूरेनियम बताकर अज्ञात पदार्थ को अधिक कीमत पर बेचकर लोगों को ठगने का काम करते हैं, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एसटीएफ प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह, हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, अशोक कुमार सिंह, नशरुद्दीन, अभिलाष कुमार तिवारी, अखिलेश कुमार तिवारी, जितेंद्र कुमार तिवारी, विनय कुमार सिंह, धीरेंद्र कुमार यादव, कमांडो जितेंद्र प्रताप शामिल रहे। महानगर में देवशिला यात्रा के पहुंचने के बाद महानगर के महत्वपूर्ण चौराहे पर देवशिला का भव्य स्वागत हुआ। देर रात गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे सालिग्राम पत्थर का स्वागत करते हुए गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, देवीपाटन मंदिर के तुलसीपुर के महंत योगी मिथिलेश नाथ तथा अन्य संतों ने स्वागत किया। गोरखनाथ मंदिर में देवशिला यात्रा का रात्रि विश्राम होगा। बुधवार को सीएम योगी देवशिला यात्रा को गोरखनाथ मंदिर से अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। मंगलवार की देर रात महानगर में कड़ी सुरक्षा के बीच देवशिला यात्रा के पहुंचते पर हजारों की संख्या में लोगों ने शालिग्राम की शिला पर मत्था टेका और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। वहीं शिला को देखने के बाद उनकी भक्ति में सराबोर और लोगों ने खूब उत्साह के साथ नाचा और लगातार जय श्री राम का नारा लगाते हुए सड़कों पर दिखते नजर आए। शिला यात्रा मोहद्दीपुर चौराहे से होकर गोरखपुर विद्यालय चौक, रेलवे बस स्टेशन, धर्मशाला होते हुए गोरखनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई, जहां श्रद्धालुओं का हुजूम लगा हुआ था। लोग उनके दर्शन के लिए ललायत थे और पीछे पीछे भाग रहे थे, जिसके संबंध में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह प्रचारक दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि नेपाल का भारत के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है। माता जानकी भी नेपाल राष्ट्र की थी। उन्होंने बताया कि नेपाल राष्ट्र की तरफ से जब राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया, तब राम जन्मभूमि क्षेत्र के लिए वहां से कुछ देने की परंपरा थी कि हम अपनी बेटी के घर पर कुछ दें। तब उन्होंने 2 बड़ी शिलाओं का चयन किया, जो 600 करोड़ वर्ष पुरानी शिलाएं हैं, जहां से भगवान शालिग्राम का उदय होता है। उस काली गंडक नदी की यह शिलाएं हैं, जिसमें एक शिला से भगवान श्री राम के बाल रूप का विग्रह बनेगा और वहीं दूसरी शिला से माता जानकी का विग्रह बनेगा। आगे उन्होंने बताया कि यह शिला आज जनकपुर से गोरखपुर की धरती से होते हुए अयोध्या के लिए जा रही है। जनता का भारी उत्साह है, लोग पूजन अर्चन करने के लिए भारी संख्या में सड़कों पर खड़े हुए हैं और शिला का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह श्रद्धालुओं ने बताया कि बड़े ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हम इस देवशिला का आज दर्शन कर पा रहे हैं। हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रद्धालु अनुपमा पांडे, छाया कुमकुम सिंह और विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह प्रचारक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, हमको
जगेन जगमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाथम् महिमानः सचन्द्र चतुर्भुवे साध्याः सन्ति देवाः समर्पयामि। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ भगवान के, जन्म भूमि के, जन्म भूमि के, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए जय श्री राम। अनुपमा पांडे ये हिंदुओं के आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम की बहुत दिनों से हम लोग जैसे धारा हटा उसकी प्रसन्नता हुई, राम जन्मभूमि विवाद खत्म हुआ और प्रभु श्री राम की मंदिर उद्धार हो रहा है। और यह गंडक नदी से शालिग्राम की जो आधारशिला निकाली गई है ये आपके नेपाल के रास्ते होते हुए बिहार होते हुए हमारे गोरखपुर में आ रहा। परम सौभाग्य है कि हम उस आधारशिला को देख पाएंगे और ये महसूस कर पाएंगे और कितनी सौभाग्य की बात है कि हमारे ही गोरखपुर से, जिस गली मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस कस्बे में हम रहते हैं, इस जगह से यह शिला पर जा रहा है। हम सभी धन्य धन्य हैं और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है कि हम प्रभु श्री राम के तराशे जाने वाली प्रतिमा, जिसमें प्रभु श्री राम की प्रतिमा बनेगी, उसको पहले ही स्पर्श कर सकेंगे और उस प्रतिमा को प्रणाम कर सकेंगे, आशीष ले सकेंगे। और हमारी आस्था, हमारा विश्वास प्रभु श्री राम के पावन धरा पे जाने से पहले हम सभी के इस गोरखपुर से जाएगा। कुमकुम सिंह, ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे पहली ये प्रतीक है और बहुत खुशी की बात है कि वो शिला आ रही है जिससे हमारे प्रभु के मूर्ति बनेगी। दूसरी बात, ये हमारे महंत जी का, महंत अवैद्यनाथ जी का ये सपना था, आज वो सपना साकार हुआ। उन्होंने ये शुरुआत की थी, उनकी ये सोच थी और वो आज काम पूरा होने जा रहा है। आज जगह जगह पर उनके दर्शन के लिए लोग उत्सुक हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे हिंदू धर्म का ये पूरा हुआ है और देवशिला यहाँ से होते हुए अयोध्या निकले। छाया देवी, बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं हम लोग, और जैसे शिवरी रामायण में लिखा गया ना, उसी तरह हम लोग भी सुबह से ही बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब आए यात्रा और हम लोग पूजा कर रहे हैं। देखिए, नेपाल राष्ट्र वर्षों से भारत का मैत्रिक राष्ट्र है और पहले वो एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। भारत नेपाल के साथ भारत का रोटी और बेटी का हिस्सा रहा है। मां जानकी नेपाल राष्ट्र की थी, तो नेपाल राष्ट्र की तरफ से राम मंदिर निर्माण के कार्य को जब प्रारंभ किया गया तो राम जन्मभूमि क्षेत्र के लिए वहां से कुछ देने की परंपरा थी कि हम अपने बहुत बेटी के घर तक कुछ दें। तो उन्होंने दो बड़ी शिलाओं का चयन किया जो जिनका जियोलॉजिकल जब सर्वे किया गया तो 600 करोड़ वर्ष पुरानी वो दो शिलाएं हैं। दो शिलाएं हैं जो शालिग्राम, जिस नदी से निकलते हैं भगवान शालिग्राम का, जहां से उदय होता है, उस नदी की, वो गंडक नदी की शिलाएं हैं, काली गंडक की, और उनका चयन किया गया जिसके एक के द्वारा एक से भगवान श्री राम जी का बाल रूप का विग्रह बनेगा, एक से माता जानकी का विग्रह। वो शिलाएं आज जनकपुर से और गोरखपुर हम इस धरती से होते हुए अयोध्या जी के लिए जा रहे हैं। आप यहाँ पे आम जनता का उत्साह देख रहे हैं, पूरे राष्ट्र में हम लोग को यही उत्साह मिला है। जनता सड़कों पर आई है और लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन शिलाओं को एक बार छूना चाह रहे हैं, उनको देखना चाह रहे हैं, और ये दिखाता है कि पूरे राष्ट्र में राम है या पूरा राष्ट्र राम का है।
शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के विजय चौक स्थित एक निजी होटल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर सर्विस ने आग को काबू किया। आपको बता दें कि होटल के अंदर काफी ज्यादा संख्या में लोग मौजूद थे, वहीं किसी का बर्थडे तो किसी की सगाई का कार्यक्रम चल रहा था। अचानक किचन के अंदर आग लग जाने की वजह से लोगों में काफी दहशत का माहौल बन गया और लोग अपना सामान छोड़कर होटल से भागने लगे। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर सर्विस की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, जिसके संबंध में होटल के संचालक प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि हमारे होटल की किचन के अंदर लगे हुए एग्जास्ट फैन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया था। जो आग फैली है उसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, सिर्फ किचन के अंदर ही नुकसान हुआ है और होटल के अन्य कमरों में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि होटल के अंदर हमारे 16 कमरे हैं जो कि सभी बुक थे, सारे गेस्ट बाहर निकल चुके थे, किसी भी तरह की किसी को हानि नहीं हुई है। वहीं इस बारे में मुख्य अग्निशमन अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि होटल के अंदर एग्जास्ट फैन में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से नीचे धुआं फैल गया और ऊपर की तरफ भी धुआं फैल गया। फायर सर्विस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आग को बुझा दिया गया और सारे बिल्डिंग को चेक किया गया, किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए होटल संचालक प्रदीप श्रीवास्तव और मुख्य अग्निशमन अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने कहा। जा रही है ना, तो क्यों आ जा रहे हैं? 10 मिनट आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, सब लोग बाहर आ जाओ, खाली हो जाए।
मैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, होटल प्रदीप पैलेस विजय चौक का मैं ओनर हूँ। होटल में आग लगी थी, जो हमारे यहाँ किचन का जो स्मोक डिटेक्टर है एग्जॉस्ट फैन, उसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। किचन में ही केवल वो आग फैली है, कहीं बाहर कोई जनहान नहीं है और पूरे होटल में कहीं कुछ नहीं, केवल किचन में ही मेरा नुकसान हुआ है। ठीक है, और कहीं सब चीजें पूरे होटल में करीब हमारे यहाँ 16 कमरे लगे हुए थे, सारे गेस्ट बाहर निकल चुके हैं, कोई जनहान नहीं है। धन्यवाद। ये प्रदीप होटल है जिसमें आग लगी थी उनके किचन में, जहाँ पे इनका एग्जॉस्ट लगा था उसी में शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसके वजह से आग लगी। नीचे जो है इनके जो धुआं फैल गया था, ऊपर भी धुआं गया था। फायर सर्विस द्वारा जो है तत्काल कार्रवाई करते आग को बुझा करके और सारे जो है बिल्डिंग को चेकअप किया गया, जिसमें कोई भी किसी तरह का जो है कोई जनहान नहीं है। एडीजी जोन अखिल कुमार ने भारत व नेपाल सीमा पर कहा कि भारत व नेपाल खुली सीमा है, नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है और यहाँ परंपरागत रूप से लोगों का आवागमन फ्री है, जो कि सुरक्षा के दृष्टिगत एक चुनौती है। वहाँ पर अराजक तत्वों द्वारा देश विरोधी सामग्री ले जाने वाले लोगों पर व संदिग्धों पर नजर रखना है, जिस पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी काफी सक्रिय है। इसके अलावा राज्य पुलिस भी सजगता बरत रही है, वहाँ पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जाती है और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाती है, जिससे आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लग रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, देखिए भारत और नेपाल जो सीमा है एक खुली सीमा है, ये हमें मानना है और हमें जानते भी हैं। नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है और यहाँ परंपरागत रूप से लोगों का आवागमन फ्री है, और यही बहुत बड़ी चुनौती बनती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। जहाँ आवागमन खुली हो वहाँ संदिग्धों पर नज़र रखना या उस आवागमन का लाभ अराजक तत्व द्वारा या देश विरोधी तत्वों द्वारा ले जाने की संभावना बनी रहती है, परंतु केंद्रीय और राज्य की सभी एजेंसी, राज्य पुलिस इस पर काफ़ी सजग है। हम लोग सब मिलके तालमेल बनाते हुए सीमा पे पूरी सजगता रखे हुए हैं, जिसमें इंटेलिजेंस कलेक्शन, आकस्मिक चेकिंग, फुट पेट्रोलिंग, नाकाबंदी, सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग, इन समस्त व्यवस्थाओं के तहत हम काम कर रहे हैं और सीमा में सजगता को बनाए हुए हैं। और कोई भी इसी कारण, आपने देखा होगा कि प्रमुख अपराध या अपराधी उसका लाभ नहीं उठा पाया। सर, आतंकवादी गतिविधियां कैसे? देखिए ये इसी से जुड़ी हुई हैं। जब इस पूरे योजना के तहत हमारी केंद्रीय एजेंसी और हमारे राज्य में ATS है, ये भी इस पे नज़र रखी हुई हैं और समय रहते रहते जब भी इस तरह की कोई सूचना है सूचना संकलन के आधार पर कार्रवाइयाँ करती रहते हैं। कैंट थाने की पुलिस ने लूट का प्रयास करने के आरोप में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान अंकित गुप्ता पुत्र सुरेंद्र गुप्ता निवासी मालनपार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, दूसरा चंदन प्रजापति पुत्र दूधनाथ निवासी मालनपार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया है।
एसपीसीटी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो जानकारी हुई कि अंकित गुप्ता और चंदन प्रजापति दोनों अच्छे दोस्त हैं। अंकित एक साल से इंदौर में रहकर पेंट पॉलिश का काम करता था। गोरखपुर 15 दिन पहले ही आया था। अपने दोस्त चंदन प्रजापति के साथ मोबाइल छीनने का काम कर रहा था। उसने पूछताछ में यह भी बताया कि अंकित अपनी बहन के घर नौशहर में अपने दोस्त चंदन को साथ में लेकर एक दिन से रह रहा था और अपने जीजाजी की गाड़ी हीरो एचएफ डीलक्स लेकर घूमकर नशे के शौक को पूरा करने के लिए मोबाइल छीनने का काम करते थे। रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा पकड़कर वादी अपने मामा के घर घासीकटरा जा रहे थे कि गोलघर काली मंदिर के पास हीरो एचएफ डीलक्स गाड़ी से सवार दो बदमाशों ने उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया और भागने लगे। घटना की तुरंत जानकारी होने पर बाइक सवार बदमाशों की घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, जिनके ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, जटेपुर चौकी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार राय, कांस्टेबल राजेश यादव, संजीत यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में लुटेरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति में गोरखपुर पुलिस अभी तक सफल रही है। इसी अनुक्रम में आज अवगत कराना है कि कल शाम के समय 4:30 बजे के आसपास गोलघर मार्केट के पास एक व्यक्ति ई रिक्शा से उतरकर अपने घर घासीकटरा की तरफ जा रहा था, तभी एक एचएफ डीलक्स पर सवार दो लोगों ने उसको घेर कर उससे मोबाइल छीनने का प्रयास किया और मोबाइल छीन कर जब वो भागने लगे तो उन्होंने वहाँ पर उपस्थित पुलिसकर्मियों को बताया। इसके बाद में पुलिस ने उसकी घेराबंदी की और उन दोनों लड़कों को, जो जिन्होंने अंकित गुप्ता और चंदन प्रजापति हैं जिन्होंने मोबाइल लूटा था, उसको उसी समय वहाँ पकड़ लिया गया और आईपीसी 393 में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको आज जेल भेजा जा रहा है। इनका अभी तक कोई इस तरह का आपराधिक इतिहास संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस तरह का जो लूट की है उसको तुरंत रोका गया। गुलेरिया थाने की पुलिस ने अवैध तरीके से नर्सिंग होम चलाने वाले संचालक को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एएसपी सीओ चौरीचारा मानुष पारिक ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सुभाष निषाद पुत्र पराग निषाद निवासी जंगल जैनुल आबदीन उर्फ जैनपुर स्टीनगर तहसील सदर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। सीओ चौरीचौरा ने बताया है कि सत्यम हॉस्पिटल बासस्थान रोड भटहट थाना गुलेरिया गोरखपुर विगत कई वर्षों से अवैध रूप से संचालित करते हुए संचालक सुभाष निषाद द्वारा बिना किसी वैध डिग्री एवं फर्जी डॉक्टर के नाम की सूची अंकित कर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पैड पर मरीजों का दवा इलाज कर उनके जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। हॉस्पिटल के संचालक सुभाष निषाद के विरुद्ध दिनांक 5 जनवरी को सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 3 जनवरी को एक गर्भवती महिला का इलाज किए जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उक्त संबंध में तत्काल थाना स्थानीय पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना में जांच के दौरान पाया गया कि निजी हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन के लिए एक MBBS डॉक्टर का सर्टिफिकेट एवं हॉस्पिटल चलाने जाने हेतु किराए का अथवा निजी मकान होना चाहिए, जिसके क्रम में नए उत्तीर्ण कतिपय चिकित्सकों द्वारा अपने डिग्री को लंबी रकम 90,000 रुपए से 1,20,000 रुपए तक लेकर अपना सर्टिफिकेट देकर रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है, जबकि ऐसे डॉक्टर कभी भी उक्त हॉस्पिटल पर मरीजों को नहीं देखते हैं। कतिपय डॉक्टरों द्वारा कई हॉस्पिटलों में अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कराकर अवैध धन की वसूली की जाती है। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान सुभाष निषाद सहित 8 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया है, जिसमें से संचालक सुभाष निषाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलेरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे, कांस्टेबल राहुल कुमार, सूरज गुप्ता शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने कहा, श्रीमान एसएसपी महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज थाना गुलेरिया की टीम ने बटहट में अवैध रूप से संचालित सत्यम अस्पताल के संचालक सुभाष निषाद को गिरफ्तार किया है। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतगणना ड्यूटी पर लगे कार्मिकों को एआरओ अपर आयुक्त अजय कांत सैनी द्वारा एनएक्सी भवन के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया, जिसके संबंध में मास्टर ट्रेनर मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन खंड का चुनाव सोमवार को सम्पन्न हुआ, जिसकी काउंटिंग 2 फरवरी को गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य कर विभाग में होना सुनिश्चित है। मतगणना के लिए सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि मतगणना सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। उन्होंने बताया कि निर्वाचन एकल पद्धति पर आधारित है, इस चुनाव के काउंटिंग की प्रक्रिया अन्य चुनाव से अलग है, इसलिए मतगणना में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो भी काउंटिंग होगी पूरी पारदर्शिता, सुचिता व निष्ठा के साथ मतगणना होगी। उन्होंने कहा कि यह कार्मिक पूरी तरह से फिट रहे, इसलिए दोबारा इनको ट्रेनिंग दी गई है, जिससे मतगणना सकुशल संपन्न कराया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मास्टर ट्रेनर मनोज कुमार गुप्ता ने कहा, क्या होगा 25 बक्से रखने होंगे, क्योंकि साइज इसके बड़े बड़े हैं, तो 25 बक्से होंगे जो ओपन टाइप के होंगे या ट्रे होंगे या जो भी व्यवस्था वहां दी गई होगी, 24 और एक इनवैलिड रखने के लिए 25, तो इस तरह से उन बक्सों में वो मतपत्र वहां जमा होते जाएंगे प्रत्याशी बार। उसके बाद फिर सेकंड राउंड में एक काम करना है, कुल जब 1000 का बंडल गिनने का बात आएगा ना, तो कुल हमको लगता है 8 से 9 राउंड में हो जाएगा, क्योंकि 1,845,000 मतपत्र पड़े हैं, तो उस लिहाज से 1,000 हर राउंड में आएगा। तो 8-9 राउंड में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जब छंटनी हो गया एक एक नंबर का, तो आरओ साहब के पास प्रारूप है, उस प्रारूप में क्या लिखा हुआ है, इधर प्रत्याशियों की क्रम संख्या और उनके नाम उसी क्रम में, जैसा कि मतपत्रों पर क्रम है और उनका नाम, और उसके बगल में पार्सल में मतों की संख्या लिखा होगा, इसका मतलब फर्स्ट प्रिफरेंस वाले प्रत्याशियों द्वारा जितने मत पाए गए होंगे उनकी संख्या पूरे राउंड कंप्लीट करने के बाद लिख दी जाएगी। सब स्वीकृत मतों की बात हो रही है और इनवैलिड को अलग रखा जाएगा, उन इनवैलिड का कुछ नहीं करना, वो बस अलग पड़े रहेंगे। जितने स्वीकृत मत है, मान लीजिए प्रत्याशी नंबर 1 से लेकर आपको वो जो मुहर दी जा रही है किसी कारण से अस्वीकृत करना है इनवैलिड होने के, उनमें से कोई ना कोई एक ही कारण लागू होना चाहिए तो वो इनवैलिड होगा, या एक से अधिक कारण भी लागू हो सकते हैं उसमें। आपको प्रशिक्षण दिया गया, जैसा आप लोग जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की मतगणना आप लोगों ने की होगी, ईवीएम वाली तो सबसे आसान है, उसमें किसी को कोई ऐसा कुछ आप लोगों को निर्णय करने की कोई स्थिति होती ही नहीं है। अब मेन प्रॉब्लम आती है प्रधानी में भी, इसलिए कोई समस्या नहीं आई जिन लोगों ने भी की होगी, क्योंकि वहां सीधे जितने भी वोट सबसे ज्यादा पाता है सीधे जीत जाता है, परंतु यहाँ जो है कई डिफरेंट राउंड्स होते हैं और उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट घोषित होता है, परंतु इसमें बहुत समय लगता है। जैसे अभी इस समय आज मतलब हमारे कल 20 जनवरी को चुनाव हुआ, 17 जनपदों में जो है 1,09,550 लोगों ने मतदाताओं ने जो है अपना मतदान किया है, 1,09,550। अब हमारे आप लोग 14 टेबल लगी होंगी, हर टेबल पर जिसके पास टेबल नंबर 1 होगा उसको 1, 15, 29 इस सीक्वेंस में आपके पास मतपेटिकाएं खुलेंगी। मेन चीज क्या है, लगभग जो हमारे मतपत्रों को बंडलिंग करने वाला जो काम है वो लगभग 23 राउंड तो इसके होंगे,
23 राउंड्स, क्योंकि 321 बूथ हैं और अगर पूरा का पूरा एक लास्ट में चौथे टेबल पर केवल एक 23 की जगह 22 ही खुलेंगे, पर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वजह क्या है, हमारे 321 बूथों में 32 बूथ ऐसे हैं जहां पर दो दो मतपेटिकाएं भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो है सीधे सीधे 353 मतपेटिकाओं को खोला जाएगा। इंजीनियर मनोज कुमार गुप्ता फ्रॉम PWD। अभी जो कल 30 जनवरी 2023 को विधान परिषद में गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक 2023 का मतदान संपन्न हुआ है, उसकी काउंटिंग 2 फरवरी 2023 को यूनिवर्सिटी के अंदर वाणिज्य संकाय में होना सुनिश्चित है। वहाँ पे जो मतगणना की कार्रवाई की जानी है, उस मतगणना से रिलेटेड ही आज प्रशिक्षण का कार्यक्रम कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि मतगणना हमारी सुचारू ढंग से संपन्न कराई जा सके। इसमें खास करके जो ये हमारा जो निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय पद्धति पर आधारित है, तो इस प्रकार से इसमें जो मतदाता होता है वो प्रेफरेंशियल वे में अपना मतदान करता है और डिजिट के रूप में उसका मतदान उसमें स्वीकार्य होता है, तो उसके द्वारा दिए गए मतदान को का ही रिजल्ट के लिए जो मतगणना उस दिन होगी वो कई स्टेप में संपन्न होती है। उसमें उसकी जो काउंटिंग है अन्य प्रकार के जो निर्वाचन होते हैं उसके काउंटिंग से थोड़ा भिन्न है, तो उस में इस टाइप के काउंटिंग में थोड़ा समय जो है वो ज़्यादा लग सकता है, तो लेकिन जो भी काउंटिंग हमारी होगी पूरी की पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी शुचिता निष्ठा के साथ वहाँ पर होगी और कहीं से कोई भी उसमें व्यवधान इत्यादि आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो ये कार्मिक हैं काफ़ी ट्रेंड हैं और उसी काम के लिए इनको दोबारा ट्रेनिंग आज दी जा रही है ताकि उस दिन का काउंटिंग सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। कड़ी सुरक्षा के बीच महानगर में देव शिला यात्रा के पहुंचने के बाद जगह जगह हजारों की संख्या में लोगों ने शालिग्राम की शिला पर टेका मत्था, फूल मालाओं से उनका किया स्वागत। गोरखनाथ मंदिर में देव शिला यात्रा का होगा रात्रि विश्राम। बुधवार को देव शिला यात्रा को गोरखनाथ मंदिर से अयोध्या के लिए सीएम योगी करेंगे रवाना। तथाकथित यूरेनियम के दो लेदर पैकेट के साथ एसटीएफ की टीम ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 3 फर्जी कूटरचित आधार कार्ड, 3 मोबाइल, 1,350 रुपए नगद, 2 एटीएम कार्ड, 3 रेलवे टिकट किया बरामद, भेजा जेल। कोतवाली थाना क्षेत्र के एक निजी होटल में एग्जॉस्ट की वजह से लगी आग, मौके पर पहुंची फायर विभाग की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा आग से नहीं हुआ कोई जनहानि। भारत और नेपाल सीमा पर नागरिकों का परंपरागत रूप से आवागमन है फ्री। सुरक्षा को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी व यूपी पुलिस लगातार संदिग्ध व्यक्तियों की कर रही है चेकिंग। सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है निगरानी। एडीजी जोन अखिल कुमार ने दी जानकारी। लूट का प्रयास करने के आरोप में 2 अभियुक्तों अंकित गुप्ता, चंदन प्रजापति को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। अवैध तरीके से नर्सिंग होम चलाने वाले सत्यम हॉस्पिटल के संचालक सुभाष निषाद को गुलेरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने दी जानकारी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतगणना ड्यूटी पर लगे कार्मिकों को एआरओ अपर आयुक्त अजय कांत सैनी द्वारा दिया गया प्रशिक्षण। कहा पूरी पारदर्शिता शुचिता और निष्ठा के साथ होगी मतगणना। ऑपरेशन ट्रिनेत्र के तहत एडीजी जोन कार्यालय पर सीसीटीवी कैमरों की लगाई गई प्रदर्शनी। एडीजी जोन ने कहा अभी तक जनपद में 1500 स्थानों पर लग चुके हैं उच्च क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे। अभी भी सीसीटीवी कैमरे लगाने का अभियान है जारी।
चोरी करने के आरोप में तीन वांछित अभियुक्तों सात्विक सिन्हा, अनिकेत कुमार डोम व अचिंत बनर्जी को गोरखनाथ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का तीन मोबाइल, चोरी की स्कूटी, 500 रुपए नकद किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के मतपेटियों की सुरक्षा के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस प्रशासन द्वारा तीन लेयर में पुलिस कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। 250 पुलिस कर्मी 2400 घंटे दो शिफ्ट में दे रहे हैं मतपेटियों को सुरक्षा। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने दी जानकारी। एक शातिर वाहन चोर आर्यन चौहान उर्फ हिमांशु चौहान को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की स्कूटी व मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कांग्रेस नेता राणा राहुल सिंह के नेतृत्व में आरटीओ तिराहे से निकाली गई तिरंगा यात्रा। कहा, एक बड़े पुत्र की तरह होती है पुरानी पेंशन, जमीन आसमान का फर्क होता है पेंशन पाने वाले और बिना पेंशन पाने वाले व्यक्ति में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एडीजी जोन कार्यालय पर ऑपरेशन ट्रिनेट के तहत सीसीटीवी कैमरों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि जनपद में ऑपरेशन ट्रिनेट के तहत 1500 उच्च क्वालिटी के कैमरे लग चुके हैं और आने वाले समय में 3000 कैमरे लगाना है। इस तरह से 4500 कैमरे लग जाएंगे। उन्होंने जनपद के नागरिकों से भी अपील किया था कि अपने घरों में कैमरा लगवाएं, जिसको देखते हुए बहुत से नागरिकों ने अपने घरों पर कैमरा लगवाया है और प्राइवेट कैमरा वाली कंपनी ने विशेष छूट दिया है। जो कैमरा 10,000 जोड़ा में मिलता है वह कैमरा अब से 6,000 से 7,000 के बीच में मिल रहा है, जिसे लोग लगवा भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान बहुत सफल रहा है, जिसके लिए नागरिकों को धन्यवाद देता हूं। कैमरा लगने से अपराध में काफी गिरावट आई है। अपराधियों को भी समझ आ गया है कि गोरखपुर में अपराध करना सरल नहीं रह गया है और निर्दोष व्यक्ति जेल जाने से बच रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, तब ऊपर पैक करके रख के इधर लगा दो। नहीं दिख रहा है वो ट्रेनर वाला। इसको भी कंपनी आप जैसे आप जैसे ऑपरेशन त्रिनेत के अंतर्गत अब तक जनपद में करीब 1500 उच्च क्वालिटी के कैमरे लग चुके हैं और आने वाले समय में करीब 3000 कैमरे और लग जाएंगे, जिसमें करीब करीब 1500 कैमरे एक महीने के अंदर लग जाएंगे। तो इस प्रकार करीब 4500 कैमरे हमारे पूरे जनपद में जो उच्च क्वालिटी के विभिन्न चौराहों पे, प्रमुख चौराहों पे लग जाएंगे। हमने जनता से भी आह्वान किया था कि अपने घरों पे कैमरे लगाएं, हर घर कैमरा बहुत ही सफल अभियान चल रहा है। उसके तहत जनता ने अधिकाधिक संख्या में कैमरे लगवाए हैं और इसकी सफलता इसी से आंका जा सकता है कि प्रमुख कंपनियां जैसे कि सीपी प्लस दउआ हैं, इन्होंने गोरखपुर के नागरिकों को, आप अपना आई कार्ड दिखाएं, रेजिडेंट प्रमाण पत्र दिखाएं, तो उनके लिए विशेष छूट दी है। जो कैमरे 10,000 में दो कैमरे आ रहे थे, आज 6,000 रुपये में या उससे कम में ही दो अच्छी क्वालिटी के कैमरे घरों पर लग सकते हैं। ये अभियान बहुत सफल रहा है और इसके लिए मैं जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका भी धन्यवाद दूंगा और जनता का विशेष रूप से ध्यान दूंगा, जिन्होंने रुचि लेके अब तक करीब 15,000 के आसपास ये आंकड़े पहुंच चुके हैं जनपद में, जहां ये कैमरे लग गए हैं। सर, इससे अपराध में कितनी गिरावट आई है? देखिए, अपराध में गिरावट स्वाभाविक है, काफ़ी तेज़ी से गिरावट मैं खुद ही महसूस कर रहा हूँ और आप लोग इस शहर के नागरिक हैं। अभी जो घटनाएं हुई भी हैं, जिसने ये दुस्साहस करने की कोशिश भी की, सभी घटनाओं का सफल अनावरण
सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी से हो रहा है। एक मनोवैज्ञानिक दबाव अपराधियों पर आ रहा है, जिससे वो उनको ये समझ आ गया कि गोरखपुर जनपद में अपराध करना अब संभव नहीं होगा। अपराध, प्रमुख अपराध तो खत्म ही हो गए थे, जो ये सीसीटीवी का जो मुख्य उद्देश्य या लाभ हो रहा है वो छोटे अपराधों में, कभी किसी का मोबाइल छीन लेते थे या कभी कोई चेन स्नैचर आ जाता था, उनको अब हम बड़े आसानी से आइडेंटिफाई और पकड़ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ प्रमुख अपराध, कभी कोई विदेश में आवेश में आके हत्या हो जाती है, मारपीट कर लेते हैं लोग, उसमें फर्जी नामजदगी हो जाती है, उनसे बचा जा रहा है और सही अपराधी पकड़े जा रहे हैं और निर्दोष जेल जाने से बच रहे हैं। तो ये बहुत मेजर लाभ इस अभियान के तहत हम लोगों को मिल रहा है। गोरखनाथ थाने की पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सात्विक सिन्हा उर्फ अनुज पुत्र अनुप सिन्हा निवासी जटेपुर उत्तरी निकट काली मंदिर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर, दूसरा अनिकेत कुमार डोम पुत्र अवधेश डोम निवासी जटेपुर उत्तरी निकट काली मंदिर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर, तीसरा अचिंत बनर्जी पुत्र स्वर्गीय कंचन कुमार बनर्जी निवासी जटेपुर उत्तरी निकट काली मंदिर थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से लूट कर 3 मोबाइल फोन, 500 रुपए नगद, चोरी की 1 अदद एक्टिवा स्कूटी को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में धर्मशाला चौकी प्रभारी अवधेश चंद्र मिश्र, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार यादव, कांस्टेबल आशीष मौर्य, मुकेश कुमार बिंद शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना गोरखनाथ को एक अच्छी सफलता मिली है। उसमें उन्होंने एक ऐसी गैंग को पकड़ा है जिन्होंने 24 तारीख को एक स्कूटी चोरी की। स्कूटी चोरी करने के बाद में कल 30 तारीख को 2 लोगों ने स्कूटी पर सवार होकर उसी चोरी की स्कूटी पर सवार होकर एक महिला का पर्स छीना। उस पर्स में से एक मोबाइल और 500 रुपये भी थे। उन्होंने पर्स को फेंक दिया और 500 रुपये मोबाइल अपने पास रख लिया। उसके सूचना मिलने पर पुलिस ने बाद में सीसीटीवी से वो चोरी की गई स्कूटी कहां से चोरी हुई उसका पड़ताल किया। चोरी की गई स्कूटी फिर पकड़ी गई और उसके साथ साथ में जो लोग लूट करने आए थे उनको भी पकड़ा गया और उनसे पूछताछ करने पर यह भी पता चला कि एक और अभियुक्त था जिसने स्कूटी चोरी करने में उनका सहयोग किया था, उसको भी पकड़ा गया है। इनके पास से 2 मोबाइल जो कि यहाँ पूर्व में चोरी किए गए हैं, लूटे गए हैं, उनको सर्विलांस के माध्यम से पता किया जाएगा कि ये कहाँ के हो सकते हैं। सात्विक सिन्हा, अनिकेत कुमार डोम और अचिंत बनर्जी, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन 3 का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। अनिकेत डोम के ऊपर 5 अभियोग दर्ज है और इन सभी 3 के खिलाफ आवधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और गैंगस्टर भी कार्रवाई की जाएगी और ताकि भविष्य में इस प्रकार का अपराध ना कर पाए। थैंक यू। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के मतपेटियों की सुरक्षा के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर 3 लेयर में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव सम्पन्न हो गया है
और गत मतपेटियों को गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को 3 लेयर में बनाई गई है, जिसमें सबसे पहले स्ट्रांग रूम के बाहर एक आइसोलेशन कॉर्नर बनाया गया है, वहां पर प्रवेश वर्जित है। यदि कोई अधिकारी वहां चेक करने के लिए जाता है तो वहां पर रजिस्टर में एंट्री करेंगे और सीसीटीवी की निगरानी में सभी कार्य करेंगे, क्योंकि मतपेचियों को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। इसके बाद आइसोलेशन के बाहर इनर कॉर्नर की व्यवस्था की गई है, जो कि वाणिज्य भवन का जो प्रवेश द्वार, वहां से लेकर प्रवेश द्वार तक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहां पर आयुक्त महोदय द्वारा नामित व्यक्ति व प्रत्याशी ही केवल जा सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को देख सकते हैं। इसके अलावा उसके बाहर तीसरा लेयर बनाया गया है, जो कि दीक्षा भवन से लेकर विश्वविद्यालय के गेट तक बनाया गया है। उस एरिया में भी प्रत्याशी ही केवल जा सकते हैं, आम व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। इसके अलावा विश्वविद्यालय गेट पर भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति स्ट्रांग रूम के पास ना जा सके। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय गेट से स्ट्रांग रूम तक 250 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि 2 शिफ्ट में स्ट्रांग रूम को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने कहा, किराए पर वहाँ पे एक देखिए जो भी जियो जिसको कहते हैं ना, ये स्पेस खाली रहेगा, लेकिन ऑब्जर्वर साहब ठीक है आ जाएगी, वो तो सब कोई सुने, वो तो यहाँ तक गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन के संबंध में वाणिज्य भवन संकाय गोरखपुर में स्ट्रांग रूम मतपेटिकाओं को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 3 लेयर में बनाई गई है। सबसे पहले स्ट्रांग रूम के चारों ओर एक आइसोलेशन कॉर्डन बनाया गया है, वहाँ पर किसी का भी प्रवेश अनुमन्य नहीं है, केवल वहाँ ड्यूटीरत कर्मचारी जाएंगे। कोई वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे व्यवस्था चेक करने जाएंगे तो बाकायदा रजिस्टर में अपनी एंट्री करेंगे, CCTV कवरेज उनका रहेगा। इसके बाद आइसोलेशन के बाहर एक इनर गार्डन की व्यवस्था बनाई गई है, जो कि वाणिज्य भवन का जो मुख्य प्रवेश चैनल द्वार है उसके बाहर से बैरिकेडिंग तक का पूरा एरिया इनर गार्डन है। उस एरिया में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। ड्यूटी रत पुलिसकर्मी अथवा माननीय आयुक्त गोरखपुर मंडल द्वारा नामित या अधिकृत व्यक्ति एवं कैंडिडेट ही वहां तक जा सकते हैं और वहां CCTV में अपना स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन कर सकते हैं। इस बैरिकेडिंग के बाहर वाणिज्य भवन के चारों ओर 3 लेयर बनाई गई है, जिसका एक्सटेंशन दाहिनी ओर दीक्षा भवन तक और बाईं ओर हाइडल तिराहे तक किया गया है। इस एरिया में भी ड्यूटीरत कर्मियों के अलावा अथवा जो कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा या उनके एजेंट के अलावा किसी का भी प्रवेश यहाँ पर वर्जित है। पूरी तरीके से दोनों तरफ से बैरियर लगाए गए हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार एवं अन्य स्थानों पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि अनावश्यक रूप से कोई भी विश्वविद्यालय में प्रवेश करके
और जो हमारा स्ट्रांग रूम है उस दिशा में कोई ना जाने पाए। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के लिए साकुशल निर्भिन्न एवं तुष्टतापूर्वक जो है गोरखपुर पुलिस द्वारा संपन्न कराए जाने की कड़ी व्यवस्था की गई है। सर कितने पुलिसकर्मी स्ट्रांग रूम सुरक्षा में हमारे 237 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं जिनकी 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने चोरी की स्कूटी व मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आर्यन चौहान उर्फ हिमांशु चौहान पुत्र शेखर चौहान उर्फ अमेरिका चौहान निवासी हरसेवकपुर नंबर 1 आरोग्य मंदिर थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल एक स्कूटी को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, उप निरीक्षक अभिषेक राय, प्रसाद वर्मा, कांस्टेबल कृष्ण कुमार यादव, हरिकिशन यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो कि स्कूटी चोरी करके कैंट थाना से स्कूटी चोरी करके अपने घर ले जाके रख लिया और उसके बाद में उस व्यक्ति ने उसका नंबर बदल के प्रयोग में लाने लगा। चेकिंग के दौरान ये फलमंडी चौकी प्रभारी द्वारा उसका जब चेसिस नंबर और गाड़ी नंबर चेक किया गया तो अलग पाया गया। उसके बाद में उससे सघन पूछताछ की गई तो उस पूछताछ में उसने एक और मोटरसाइकिल भी चोरी करना बताया है। इस तरह दो एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल के साथ में उनको बरामद किया गया है और अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। थैंक यू। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कांग्रेस नेता राणा राहुल सिंह के नेतृत्व में आरटीओ तिराहे से अपने दल बल के साथ तिरंगा यात्रा निकाले, जिसके संबंध में कांग्रेस नेता राणा राहुल सिंह ने बताया कि पुरानी पेंशन के बहाली को लेकर यह तिरंगा यात्रा नौजवानों की तिरंगा यात्रा है। नौजवानों ने यह प्रण लिया है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाली नहीं होगी पुरानी पेंशन के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन एक बड़े पुत्र की तरह होता है। पेंशन पाने वाले व्यक्ति और बिना पेंशन पाने वाले व्यक्ति में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर कोई सांसद विधायक पेंशन पा सकता है जो 30 से 35 साल तक सरकारी काम में समय देता है उसको पेंशन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह यात्रा हरिओम नगर कचहरी चौक इंद्राबाल बिहार गोल घर होते हुए वापस आरटीओ पर समाप्त हुआ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस नेता राणा राहुल सिंह ने कहा, यह गैर दली बिना किसी दल के ये आम जनमानस गोरखपुर के नौजवानों की तिरंगा यात्रा है पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर। एक इस बड़ी मुहिम को आज से गोरखपुर के नौजवानों ने यह बीड़ा उठाया है कि जब तक यह पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी अनवरत पुरानी पेंशन के मुद्दों पे हम लड़ाई लड़ेंगे। आज इसकी शुरुआत हुई है, इसके स्वरूप और आगे बदलेगा, इसके और भी तरीकों से इसका प्रदर्शन किया जाएगा। तिरंगा यात्रा गांधीवादी तरीके से शांति तरीके से आज हम अपनी बात हो सकता है कि जिनको यह
पुरानी पेंशन लागू करना उन तक न जानकारी हो, आज हमने एक माध्यम से उनको सूचित किया है कि पुरानी पेंशन इस समय प्रथम पुत्र पहले लड़के की तरह, जो आदमी रिटायर होता है पुरानी पेंशन प्रथम पुत्र की तरह होता है। पुरानी पेंशन जिसके घर में आती है, आज आप कि जिस भी जो लोग भी पेंशन भोगी हैं उनके उनको और जो पेंशन भोगी नहीं है रिटायरमेंट के बाद, उनमें जमीन और आसमान का फर्क रहता है। अगर कोई एमपी, कोई सांसद, कोई विधायक पेंशन पा सकता है तो जो 30 साल 32 साल 35 साल अपनी जीवन का महत्वपूर्ण समय देता है उसको पेंशन क्यों नहीं। पुरानी पेंशन को लेके ये आज हम लोगों ने मुहिम छेड़ी है और जैसे जैसे आगे जरूरत पड़ेगी पुरानी पेंशन हम लेकर रहेंगे, जिएंगे या मरेंगे पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। भारत माता की भारत विरोधी जी किन रास्तों से निकाले गए। आज गोलघर के सभी प्रमुख चौराहों पे सभी प्रमुख हस्तियों को माल्य अर्पण करके ये हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कड़ी सुरक्षा के बीच महानगर में देव शिला यात्रा के पहुंचने के बाद जगह जगह हजारों की संख्या में लोगों ने शालिग्राम की शिला पर टेका मत्था, फूल मालाओं से उनका किया स्वागत। गोरखनाथ मंदिर में देव शिला यात्रा का होगा रात्रि विश्राम। बुधवार को देव शिला यात्रा को गोरखनाथ मंदिर से अयोध्या के लिए सीएम योगी करेंगे रवाना। तथाकथित यूरेनियम के दो लेदर पैकेट के साथ एसटीएफ की टीम ने तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। तीन फर्जी कूटरचित आधार कार्ड, तीन मोबाइल, 1,350 रुपए नगद, दो एटीएम कार्ड, तीन रेलवे टिकट किया बरामद, भेजा जेल। कोतवाली थाना क्षेत्र के एक निजी होटल में एग्जॉस्ट की वजह से लगी आग, मौके पर पहुंची फायर विभाग की दो गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा आग से नहीं हुआ कोई जनहानि। भारत और नेपाल सीमा पर नागरिकों का परंपरागत रूप से आवागमन है फ्री। सुरक्षा को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी व यूपी पुलिस लगातार संदिग्ध व्यक्तियों की कर रही है चेकिंग। सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है निगरानी। एडीजी जोन अखिल कुमार ने दी जानकारी। लूट का प्रयास करने के आरोप में दो अभियुक्तों अंकित गुप्ता, चंदन प्रजापति को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। अवैध तरीके से नर्सिंग होम चलाने वाले सत्यम हॉस्पिटल के संचालक सुभाष निषाद को गुलरिया थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एएसपी सीओ चौरी चौरा मानुष पारिक ने दी जानकारी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतगणना ड्यूटी पर लगे कार्मिकों को एआरओ अपर आयुक्त अजय कांत सैनी द्वारा दिया गया प्रशिक्षण, कहा पूरी पारदर्शिता सुचिता और निष्ठा के साथ होगी मतगणना। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत एडीजी जोन कार्यालय पर सीसीटीवी कैमरों की लगाई गई प्रदर्शनी। एडीजी जोन ने कहा अभी तक जनपद में 1500 स्थानों पर लग चुके हैं उच्च क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे, अभी भी सीसीटीवी कैमरे लगाने का अभियान है जारी। चोरी करने के आरोप में तीन वांछित अभियुक्तों सात्विक सिन्हा, अनिकेत कुमार डोम व अचिंत बनर्जी को गोरखनाथ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का तीन मोबाइल, चोरी की स्कूटी, 500 रुपए नगद किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के मतपेटियों की सुरक्षा के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर पुलिस प्रशासन द्वारा तीन लेयर में पुलिसकर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। 250 पुलिसकर्मी 2400 घंटे दो शिफ्ट में दे रहे हैं मतपेटियों को सुरक्षा, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने दी जानकारी। एक शातिर वाहन चोर आर्यन चौहान उर्फ हिमांशु चौहान को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की स्कूटी व मोटरसाइकिल किया बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। और
और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कांग्रेस नेता राणा राहुल सिंह के नेतृत्व में आरटीओ तिराहे से निकाली गई तिरंगा यात्रा। कहा, एक बड़े पुत्र की तरह होती है पुरानी पेंशन, जमीन आसमान का फर्क होता है पेंशन पाने वाले और बिना पेंशन पाने वाले व्यक्ति में। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।